दो साल अमेरिका में रहने के बाद अपने देश, अपने शहर, अपने घर आकर कितना अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। हाँ क्यों नहीं, अपनी चीज तो अपनी ही होती है, आखिर ये घर तुम्हारा है, जाहिर है लगाव तो होगा ही। लगाव तो हमें तुमसे भी बहुत है मनीषा, और जितनी मोहब्बत हम तुमसे करते हैं शायद किसी और से नहीं करते। जानती हूँ, अगर मोहब्बत नहीं होती तो इस बांझ को कब का छोड़ चुके होते। हे कमान मनीषा, ये सब हमारी किस्मत का खेल है। अगर हमारी किस्मत में बाप बनना नहीं लिखा है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। रिलैक्स, टेक इट, चीयर्स। चीयर्स। बैठो, यहाँ बैठो। हाँ हाँ बेटा, ना रो ना रो। हाँ हाँ, एक मिनट। ओ बेटा ना रोते, नहीं 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 नहीं, आपके लिए दूध गर्म कर रही हूँ। हाँ अरे नहीं बच्चा, रोते नहीं है, अभी लाती हूँ दूध। हाँ ये लाइटर को भी क्या हो गया, ये माचिस कहाँ चली गई। हाँ
आजकल के लाइटर भी ना। अभी लाई बेटा दूध। हाँ मत रो बच्चों, मत रो, बस अभी लेकर आती हूँ ना मेरा बच्चा। अरे रोना नहीं, रोना नहीं, अरे रोना नहीं बेटा, अभी लाई। ओहो इतना रो रही हो, बहुत भूख लगी है ना। हा? अभी लाई। हाँ नहीं बेटा, अरे रे नहीं रोते, नहीं रोते, दूध आ गया, दूध आ गया। लो पियो। ओ भूख लगी है, ये लो अकेले दूसरी बोतल। अरे बाप रे कितनी भूखी है बच्ची, पी ले बेटा पी ले। बाप रे दो बोतल पी गए फिर भी भूख लगी है। अरे बाप रे। Show.
आइए ये देखिए कितनी शानदार हवेली है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत गार्डन है, वल्ला वल्ला। भाई ये समझ लीजिए कि फ्री की जगह फोकट में मिल रही है। मेरा मतलब है कि फोकट की जगह फ्री में मिल रही है। ओ जबान फिसली जाती है। मेरा मतलब है कि मिट्टी के मोल मिल रही है इतने कम कीमत में। इससे अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिल सकती, कसम खुदा की, सच कह रहा हूँ मैं। आइए चल के देखिए। आइए आइए आइए, बड़े खुश नसीब है जनाब, इस घर में तशरीफ ला रहे हैं आप। ऐसा मकान हर किसी के नसीब में नहीं होता। ये रही इसकी चाबी। बहुत बोलते हो यार। मैं बोलूंगा। आइए 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 आइए। हाँ 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 हाँ, ये देखिए क्या शानदार मकान है। अरे मकान क्या है जनाब, जन्नत कहिए, जन्नत। क्या नहीं है यहाँ, लाइट है, हवा है, पानी है, फर्नीचर है। कुछ लाने की जरूरत नहीं, बस आइए और पसर जाइए। नहीं मेरा मतलब है कि रह जाइए। बस ये समझिए जनाब कि फ्री की जगह फोकट में मिलेगी, मिट्टी के मोल। एक तरफ एक बेडरूम, दूसरी तरफ दूसरा बेडरूम, और तीसरी तरफ तीसरा बेडरूम, और वो रहा आपका पकाना ठिकाना। नहीं मेरा मतलब है कि खाना पकाना। नहीं नहीं नहीं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं वो, चिकन। चिकन नहीं, किचन। क्या फर्क पड़ता है, किचन में चिकन बनाओ या चिकन में किचन बनाओ। आइए आइए। वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या हुआ, आइए। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, किचन को क्या देखना, किचन तो किचन होता है। लेकिन आप जाइए, लेकिन थोड़ा संभाल के। क्या मतलब? नहीं मतलब नहीं, किचन बहुत बड़ा है, लेकिन आपको तो इसे देखना चाहिए क्योंकि आप इसे खरीदने वाले हैं ना। जाइए बनाइए, चिकन बनाइए। क्यों जा रखा मौका। घर में कोई रहता नहीं है और ये दूध। चलो होगा, दूध की बोतल। क्या हुआ, कौन है, आप हैं, आप कैसा लगा, क्या
किचन अच्छा लगा? अच्छा तो लगेगा, अच्छा तो है। अरे किचन क्या है साहब, बेडरूम है बेडरूम। यूं समझ लीजिए कि फ्री की जगह फोकट में मिल रही है आपको। मिट्टी के मोल जितनी जल्दी हो सके खरीद ले, आप फायदे में रहेंगे। यहाँ क्या है? कहाँ? यहाँ यहाँ। अरे मस्त बेडरूम है, आइए मैं दिखाता हूँ खोल के। आहा, खुल गया बेडरूम। और आप भी अपनी आंख खोल के देखिए, क्या शानदार बेडरूम है। यहाँ जरा उछल के देखिए, ये 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 स्प्रिंग वाला, ये तकिए पिलोज, ये सोफे, ये झूमर, ये बड़ा टीवी, दो दो पंखे, एसी। है ना शानदार? आप भी लेटिए। और वो रहा यहाँ का अटैच बाथरूम। इस बेडरूम से उन्हें बहुत अटैचमेंट था, इसलिए उन्होंने इसे बना दिया अटैच बेडरूम। अब इस बाथरूम में क्या नहीं है, हर वो चीज है जिससे आप नहा सकते हैं, धो सकते हैं। बस कपड़े उतारिए और शुरू हो जाइए। ये रहा। मुझे ये जगह पसंद है। आई लाइक द प्लेस। क्या आपको पसंद है? पागल हो गए? आपको आपको ये जगह पसंद है? मुझे मालूम था कि आपको जरूर पसंद होगी। मुझे पसंद नहीं। पार्टी से मीटिंग कब करा रहे हैं? मीटिंग 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 आज अभी तो चले। यार मत समझ रही, आप बहुत बोलते हैं यार। आदाब सुलेमान भाई। आदाब 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 भाभी जान, आइए मैं आपका तारुफ करा देता हूँ। ये हैं उस नायाब बंगले के मालिक प्रदीप लोनावत, और ये हैं उनकी शरीक हयात। क्या? मेरा मतलब कि हयात शरीक, मेरा मतलब कि मदद। इनका कहने का मतलब है कि ये मेरी धर्म पत्नी पत्नी पतली पत्नी। नमस्ते। नमस्ते। और ये हैं जनाब दीपक चौधरी, जो आपके बंगले को खरीदने के लिए बेताब है। चाय चाय बिस्किट भी है। ये ए आपकी, ये मेरी, ये नहीं आपकी। जनाब वो कागजात मंगवा लीजिए ना। अरे हाँ जैन साहब, वो प्रतापगढ़ वाले बंगले के कागजात लेकर आइए। वैसे सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप ये बंगला इतने सस्ते में बेचना क्यों चाहते हैं? क्या हुआ? वो क्या है कि मन भर गया इस बंगले से। बजानिया बहुत सी प्रॉपर्टीज है हमारी, हम मियां बीवी दो लोग हैं परिवार में, और कोई है नहीं, तो सोचा कि कुछ जायदाद बेच दी जाए। इतने सस्ते में? कोई तो खास वजह होगी आपकी? देखिए हाँ खास वजह है। वो क्या है ना कि हम अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर यूएस सेटल होना चाहते हैं। ओके ओके या ये भी समझदार। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। पूछिए 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 ना। ये इस प्रॉपर्टी को लेने में मतलब आप इतनी दिलचस्पी, मतलब कोई खास वजह? इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं आप? एक्चुअली सर मेरी शादी होने वाली है।
और मैं चाहता हूँ कि बंगला मैं अपनी बीवी को हनीमून पे गिफ्ट करूँ। सुभान अल्लाह भाई, क्या बात है। इसका मतलब ये कि आप अपनी बीवी को बहुत बहुत प्यार करते हैं। लव मैरिज होगी? हाँ सर, अरेंज मैरिज। अरेंज? अरे कोइंसिडेंट, इत्तेफाक से, ये तो कमाल की बात होगी। इन्होंने भी पहले अरेंज किया और फिर मैरिज किया। नहीं, इन्होंने किसी तरह मैनेज किया। और इनका सपना था, इनका ख्वाब था कि ये बंगला उसी को भेजे जो पहले अरेंज करे और इनकी तरह मैनेज करे। एग्रीमेंट आ गया, ये लीजिए जी। सुनो, कोई बेतुके सवाल मत करना, चुपचाप साइन कर देना, हंसने जाना चाहिए। समझ रहे ना? तुम सिर्फ साइन कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगा, ठीक है ना? हाँ, लो साइन कर दो अब। ये लीजिए। वाह, यहाँ यहाँ यहाँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर अरेंज मैरिज एंड फॉर योर हनीमून। नजर ने कह दी लाखों बातें, नजर ने कह दी लाखों बातें, अब क्या कहें और हम। तेरी नजर समझे अगर मेरे प्यार की वो बातें, ऐ सनम वो बातें सनम। नजर ने कह दी लाखों बातें, अब क्या कहें और हम। तेरी नजर समझे अगर मेरे प्यार की वो बातें सनम। होठों पे रह जाती है अक्सर दिल की बातें, होठों पे रह जाती है अक्सर दिल।
ने वफा अब न जुदा खाएंगे हम कभी खाए ये कसम खाए ये कसम नजर ने कह दी लाखों बातें अब क्या कहें और तेरी नजर समझे अगर मेरे प्यार की वो बातें ये सनम अरे यार क्या बताऊं कितने सालों से कोशिश कर रहा था साला कोई मिल ही नहीं रहा था अच्छा आखिर एक बकरा मिल गया और हलाल भी हो गया मगर मैंने सुना है वहाँ कोई प्रेत आत्मा रहती है और इसलिए वो बंगला अब तक नहीं बिक रहा था अबे तूने तो सुना है मैंने तो अपनी आंखों से देखा है सुन उस दिन जैसे ही मैं उसके साथ बंगले में घुसा और जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला अबे सामने बैठी थी बाल फैला रही अबे मेरी तो फटके हाथ में आ गई मैं उल्टे पांव भागा सच कह रहा हूँ बहुत भयंकर थी पर अब उन बेचारों का क्या होगा अमा वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा मियां वो तो है मैं तो यही समझता हूँ कि फ्री की जगह फोकट में मिट्टी के मोल समझे अबे वो दोनों इधर ही आ रहे हैं लगता है कुछ गड़बड़ हो गया मैं पतरी गली लेता हूँ अरे सुलेमान भाई सुलेमान भाई सुनिए रुकिए तो मुझे आपसे कुछ काम है इसीलिए आवाज दे रहा हूँ अच्छा आप यहीं मिल गए ये सुलेमान जी है इन्होंने वो जगह में दिलवाई है सुलेमान जी ये मेरी वाइफ जी नमस्ते ओ ये आपकी वही वाइफ है ना जिन्हें आप वो बंगला हनीमून गिफ्ट देना चाहते थे दे दिया अच्छा किया बाकी सब ठीक है ना हाँ सब कुछ ठीक है कोई समस्या तो नहीं ना नहीं अरे अरे मैं आपको बताने भूल गया इसका नाम घूरा सिंह है बेवकूफ आदमी है काम धंधा कुछ नहीं है घूरते रहता है थोड़ी देर पहले मुझे घूर रहा था चल चल उधर जाके आदमी मारता है सबके सामने सुलेमान जी बात ऐसी है हमें ये जगह पसंद आ गई है हाँ। हम चाहते हैं थोड़े दिन और हम यहाँ रहें क्या बात है माशाल्लाह आपकी जगह है जब तक मर्जी रहे अगर कोई काम करने वाली है काम करने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा आप तो इस लोकल एरिया में लोगों को जानते ही हैं तो कुछ अरेंज करवाइए ना नहीं 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 जुगाड़ तो हो जाएगा लेकिन एक समस्या है समस्या क्या है एक्चुअली वो बंगला एक समस्या है क्या बंगला समस्या नहीं नहीं मेरा मतलब बंगला समस्या नहीं है मगर समस्या है क्या समस्या है समस्या क्या है नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है क्या बताऊं मगर समस्या है क्या समस्या आखिर समस्या ये है कि वो आपका वो जो बंगला है ना बांग्लादेश से बहुत दूर है नहीं नहीं मेरा मतलब कि वो शहर से गांव से इतने दूर है कोई कैसे वहां से इतने दूर से आएगा जाएगा कब काम करेगा कब जाएगा ये समस्या है
अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम उसको पगार तो देंगे ही और साथ साथ आने जाने का खर्चा भी दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं खर्चा समस्या नहीं है, कोई वहाँ जाके काम क्यों करेगा ये समस्या है। आप नहीं क्या? नहीं आ, देखो आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इस समस्या का जैसे ही समाधान निकलता है तो मैं आपको सूचित करूंगा, तब तक आप इसी समस्या में रहिए, प्लीज मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। निकल लिया सर। पता नहीं इसकी क्या समस्या है। इसकी जो भी समस्या हो, हमारी समस्या तो यही की यही है। मजा आया ना? बहुत मजा आया शॉपिंग में। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए माय डार्लिंग। तुम यहाँ आए नहीं हो, मैंने तुम्हें बुलाया है, इस औरत से कहो यहाँ से चली जाए वरना मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये क्या है? अरे छोड़ो ना, कागज का टुकड़ा है, कहीं से उड़ के आगे चिपक गया होगा, लाओ चाबी दो। बैग में कहां से आ गई? लगता है किसी के साथ बैग एक्सचेंज हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? मगर इस बैग में मेरी एक्सपेंसिव ड्रेस थी, जरूर उस दुकान वाले की मिस्टेक होगी, जाना पड़ेगा। ओके सी, तुमने कुछ देखा? क्या देखा? ये देखो, ये सारा फर्नीचर कवर कैसे हो गया? हाँ, ये पहले ऐसा नहीं था। शोपीस ये वहां था, ये यहां कैसे आ गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है पूजा, हमने सुलेमान भाई को कहा था किसी नौकर या नौकरानी को भिजवाने के लिए, तो हो सकता है उन्होंने किसी को भेजा होगा और साफ सफाई करने के बाद कपड़ा ढक दिया होगा। तुम तो जानती हो कि सुलेमान भाई के पास हमारी एक डुप्लीकेट चाबी रहती है ना, इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है, हैं? जाओ, तुम जाओ, शावर लो, फ्रेश हो, और मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी लेके आता हूँ, ओके माय डियर वाइफ। पूजा, योर कॉफी इज रेडी, कम ऑन।
दीपक, दीपक। हाँ, क्या हुआ? ये किसने लिखा? तुम मेरी मम्मी नहीं हो, चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। किसने लिखा और कौन लिख के चला गया? बड़ी अजीब बात है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तो मैं क्या करूं? कैसी बात कर रहे हैं सुलेमान भाई आप? अगर आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आखिर आपने ही तो वो जगह मुझे दिलवाई है। तो कौन सा गुनाह कर दिया? इतनी अच्छी जगह मिट्टी के मोल दिलवाया हूँ, अब उसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके लिए मैं कहाँ से जिम्मेदार हो गया भाई? मगर कोई तो जिम्मेदार होगा ना, कौन कर रहा है ये सब? क्या कर रहा है? दरवाजे पर आज कागज का टुकड़ा लिखा हुआ मिला और खून से लिखा हुआ मिरर। अरे तो मैम साहब, वो कागज के टुकड़े को उठा के पढ़ लो और नहीं पढ़ना है तो खिड़की के बाहर फेंक दो। और मिरर में जो खून से लिखा है उसे एक गीले कपड़े से साफ कर दो, उसने अपनी शक्ल देख लो और शक्ल अच्छी नहीं लगती तो शीशे को फोड़ दो। मेरा दिमाग क्यों फोड़ रहे हैं आप लोग? बहुत काम, बहुत बिजी हूँ मैं। यहाँ का माल निकलवाने आया हूँ, उसको भिजवाना है मेरे को, पता नहीं अंदर क्या क्या निकलता है। आप लोग मेरा भेजा निकाल रहे हो यार, जाओ यहाँ से। सुलेमान भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमसे मजाक कर रहा हो या फिर हमें डराने की कोशिश कर रहा हो? देखो देखो बरकरार, इस शहर में शरीफ, सीधे सादे और काम धंधे वाले लोग रहते हैं, बहुत कम हंसना जानते हैं, तो वो तुम्हारे साथ क्या मजाक करेंगे यार? खुद डरे हुए तो तुम्हें क्या डराएंगे? ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, इस वहम को दूर कीजिए और मुझ पे रहम कीजिए, जाइए। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर है, क्योंकि आपने उस दिन कहा था कि नौकर नहीं भिजवाया, तो फिर फर्नीचर इधर से उधर कैसे हो गया? ये फर्नीचर कहाँ से आया? शॉप से लाया हूँ। तो शॉप वाले से पूछो ना, मेरी क्यों फाड़ रहे हो? लारी इधर लाओ। देखिए सुलेमान जी, हम लोग इस बात को इतना इजी नहीं ले सकते, हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। चलिए कहाँ? पुलिस स्टेशन। आप जाइए पुलिस स्टेशन, जाइए रेलवे स्टेशन, जाइए हिल स्टेशन, जाइए, लेकिन मुझे इसी स्टेशन में रहने दीजिए, जाइए। आपको चलना ही पड़ेगा मेरे साथ। क्यों नहीं चलेंगे? आपकी वजह से मेरी होगी। आप इसी में आपने दिलवाया बंगला मुझे। चलिए, आप कैसे नहीं चलेंगे हमारे साथ? ये बंगला मुझे। अगर खून से लिखा हुआ है तो जांच होने के बाद पता चल जाएगा कि खून किसका है। अब जाकर देख लीजिए। वहां मिरर में तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे? कुछ भी नहीं है? यस। ऐसा कैसे हो सकता है? यहीं पर तो था। तुमने देखा था ना? मैं झूठी नहीं हूं ना? दिखाया था ना तुम्हें मैंने? ये कैसे हो गया? शायद किसी ने मिटा दिया। मगर किसने? चलो ऐसा कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर? तुमने भी देखा था ना? यस इंस्पेक्टर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, वहां कुछ खून से लिखा हुआ था। तो गायब कहां हो गया? मिस्टर दीपक, आप लोगों के अलावा यहां कोई और भी आता जाता है? नहीं इंस्पेक्टर, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? देखिए मिस्टर दीपक, मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई धोखा हो रहा है। एनीवे, मैं चलता हूं। सुलेमान जी, जी बताइए ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्या मालूम जनाब क्या हो रहा है, खुदा ही बेहतर जानता है क्या हो रहा है। बस जो करता है वही करता है, और वो जो करता है वो किसी को क्या मालूम। मुझे इतना मालूम है कि 4 बजे एक मीटिंग है, मुझे जाना है। खुदा हाफिज। अरे भाग गया ये। क्या सोच रही हो? सोच रही हूं
वो जगह मुझे कभी कभी बहुत अजीब सी लगती है। क्यों? समझ में नहीं आता, बस एक बेचैनी सी लगी रहती है। हर वक्त एक एहसास बना रहता है कि जैसे कि कुछ होने वाला है। क्यों, क्या होने वाला है? यही तो नहीं पता। देखो, ये सब तुम्हारे मन का वहम है पूजा। अगर ये वहम है तो ऐसा क्यों है? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी? पूजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। I am with you. Really? I love you, पूजा। चलो नहाते हैं। ठंडे ठंडे पानी चाहना चाहिए। क्या क्या तुमने पागल हो गए क्या तुम? टेंशन भगाना चाहिए। ये लो ये लो ये लो। अब तो टेंशन खत्म हुई ना। ये लो ये लो। नजर में दिल को चुराया तूने, ये कैसा दर्द जगाया। तुझको ढूंढा करूं सुबह शाम, मेरे होठों पे है तेरा नाम। पहली नजर में तूने ये कैसा दर्द जगाया। जब मैं सोचा करूं खुद से ही पूछा करूं, ये बेखुदी सी क्यों है मुझको मेरे दिल बता। जब जब मैं सोचा करूं खुद से ही पूछा करूं, ये बेखुदी सी क्यों है मुझको मेरे दिल बता। कैसे आएंगे हम पीकर मोहब्बत का जाम, मेरे होठों पे है तेरा नाम। पहली नजर में दिल को चुराया तूने, ये कैसा जगाया। खोया रहूं ख्वाबों में देखा करूं शम्मा मोहब्बत की, दिल में जलाता रहूं।
पल मैं खोया रहूं, ख्वाबों में देखा करूं शम्मा मोहब्बत की, दिल में जलाता रहूं। ओ नैनों को आस तेरी, सांसों को प्यास तेरी, प्यार का दे दे अंजाम। मेरे होठों पे है तेरा नाम, पहली नजर में दिल को चुराया, तूने ये कैसा दर्द जगाया। तुझको ढूंढा करूं सुबह शाम, मेरे होठों पे है लड़की पीछे। अरे क्या कर रही हो तुम, गिर जाओगी क्या, पीछे आओ। अरे सुन नहीं रहा क्या तुम्हें, पीछे आओ। अरे वो लड़की कूदने वाली है वहाँ पर, कोई भी नहीं। अरे हट जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या बच्ची। अरे बच्ची सुनो, हट जाओ वहाँ से। अरे क्या कर रही हो तुम। कौन सी लड़की? अरे वो सामने तो है, वो जो रस्सा कूद रही है। हट जाओ बच्ची, हट जाओ, पीछे आ जाओ। क्या कर रही हो तुम, पीछे आओ लड़की। अरे गिर जाओगी क्या, पीछे आओ, आगे खाइए। हट जाओ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें, पीछे हटो। वहाँ कोई नहीं है। वो गिर गई वहाँ पर, अभी अभी कूदी है वहाँ से। मैंने कहा ना वहाँ कोई नहीं है, चलो चलो। कोई नहीं है, चलो यहाँ। वहाँ पर थी एक लड़की थी। पापा, मुझे खिलौने चाहिए। लाओ पापा, खिलौने चाहिए। मेरे लिए अपनी बेटी के लिए, बेटी के लिए, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ। लाओ 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 पापा, तुम मुझे खिलौने नहीं दोगे, खिलौने नहीं दोगे, खिलौने दो पापा, खिलौने दो पापा। पूजा, पूजा, ये खिलौने? हाँ, तुम्हें खिलौने पसंद है ना? मैंने कब कहा मुझे खिलौने पसंद है? तो फिर मैं ये खिलौने क्यों लेके आया हूँ? जानती हूँ तुम्हें बच्चों का बहुत शौक है ना, तुम्हारी ख्वाहिश जल्दी ही पूरी होगी। क्या इसका मतलब हमें बच्चा नहीं है? तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे हमारी एक बच्ची है और वो मुझे कहती है कि पापा खिलौने चाहिए, खिलौने चाहिए, मगर अभी नहीं। खैर ले आए तो काम आएंगे। Ah!
समंतल में आयुष्ते काउशन में इट कम टू लव आई डी यू वर स्ट्रॉंगर आई वाज नॉट माय इल मैंने तुम्हें कहा था ना तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी आ जाओ आ जाओ आओ मेरे साथ उठो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ आ जाओ मेरे साथ आओ मेरे साथ रुकिए ये क्या कर रही हैं आप क्या हो गया आपको सुसाइड कर रही हैं आप मैं यहाँ ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब ये तो शुक्र कीजिए कि मैं पेट्रोलिंग पे था और मैंने देख लिया वरना पता नहीं क्या हो जाता लेकिन मैं वहां सुसाइड करने नहीं गई थी तो फिर तुम वहां गई क्यों मैं सपना देख रही थी और सपने में 12 साल की लड़की के पीछे चलते चलते मैं वहां पहुंच गई कौन थी वो लड़की पता नहीं मैंने उस लड़की को कभी नहीं देखा और वो लड़की पहाड़ी से नीचे कूद गई और आवाज देके मुझे बुलाने लगी इंस्पेक्टर साहब ने जब मुझे पकड़ा और मेरा सपना टूटा और मैंने देखा कि मैं पहाड़ी पर खड़ी हूँ इंस्पेक्टर साहब मैं वो जगह देखना चाहता हूँ रुकिए बस यहीं आगे खतरा है यही वो जगह है जहां से गिरने के बाद किसी की लाश तक बरामद नहीं हुई पूजा जिस लड़की को तुमने यहां से गिरते हुए देखा क्या उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे उसके बाल खुले थे और आंखों का रंग ब्राउन था ऐसी लड़की को तो मैंने भी गिरते हुए देखा था लेकिन तुमने मेरा विश्वास ही नहीं किया इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों ने इसी जगह पर अलग अलग टाइम में उस लड़की को देखा यस इंस्पेक्टर यस हाउ दिस कैन बी पॉसिबल मिस्टर दीपक
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I can't believe this। फिर भी मैं इसका पता लगाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आप इनका ख्याल रखिएगा। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। पूजा, पूजा कहाँ चली गई? बाथरूम में होगी लगता है। पूजा, पूजा कहाँ चली गई है? पूजा, पूजा 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 चल तो यहीं कहाँ चली गई? शायद वॉक पे गई होगी। ठीक तो हो ना पूजा? क्या हुआ बोलो, पूजा बोलो क्या हुआ? पूजा, पूजा और
नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, घबराने की कोई बात नहीं है। ड्यूअल पर्सनालिटी सिस्टम की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंटरनल पर्सनालिटी इतनी अधिक हावी हो जाती है कि इंसान वो करने लग जाता है जो वो सोच रहा होता है, वैसी हरकतें, वैसा बिहेव करने लगता है जैसा वो इमेजिन करता है। आपकी वाइफ भी इसी बात का शिकार हुई है। बट डॉक्टर, मेरे साथ तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जरूरी नहीं कि जो पहले हो चुका हो तो ही होगा, ऐसा अटैक कभी भी आ सकता है। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देता हूँ, आप इनको सोने से पहले दे दीजिएगा। जी डॉक्टर। लगता है ये जगह हमें रास में आ गई। जब से हम यहाँ आए हैं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। सोचता हूँ इस जगह को बेच के वापस। क्या क्या कहा तूने? तू वापस चला जाएगा? इतनी मुश्किल से मैंने तुझे यहाँ बुलाया और तू कहता है कि मैं वापस चला जाऊंगा? नहीं नहीं, तू नहीं जा सकता, तू नहीं जा सकता। पूजा, पूजा, ये क्या हो गया तुम्हें? मैं पूजा नहीं, तेरी बेटी हूँ। बेटी पागल हो गई क्या? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। हम कहीं नहीं जाएंगे पूजा। जब तक ये ताबीज मारे गले में है, मारे को कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये कहने के लिए बुलाया था तुमने मुझे इधर? नहीं नहीं, ये कहने के लिए नहीं बुलाया था। मेम साहब को एक बार पीर बाबा की मजार पर ले चलते हैं। पीर बाबा की मजार पर? हाँ। अगर क्यों? मैं तो समझ गया, पर आप नहीं समझ रहे हैं। मैंने महसूस किया है मेम साहब को भूत प्रेत का साया पड़ गया है। क्या आप बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। एक बार मेम साहब को पीर बाबा की मजार पर ले जाने में क्या हर्ज है? ले चलिए, कुछ नहीं होगा। हुकुम। अली मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली अली
अली अली अली मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 शान है मौला तेरी तो शान है मौला जहाँ की जान है मौला जहाँ की जान है मौला दिल का अरमान है मौला जिंदगी ये तुझ पे हो कुर्बान मौला अल्लाह तुम्हारे इलाज के लिए जा रहे हैं। क्यों? मुझे क्या हुआ? वो क्या है कि पूजा तुम चलोगी तो जान जाओगी। तेरी रहमत तेरे करम के मारे है फलक पर कितने भी चांद और तारे हैं तेरी रहमत तेरे करम के मारे हैं मारे हैं फलक पर जितने भी चांद और तारे हैं तारे हैं हर कली में बसा है नूर तेरा जर्र जर्र में बस तेरे नजारे हैं नजारे नजारे हैं नजारे हैं नजारे हैं अल्लाह अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली अली तू मुझे यहाँ क्यों लाए हो गाड़ी से उतरो नहीं मैं नहीं उतरूंगी पूजा मैं कह रहा हूँ गाड़ी से उतरो नहीं उतरूंगी पूजा मैं कह रहा हूँ गाड़ी से उतरो मैंने कहा ना मैं नहीं उतरूंगी नीचे गाड़ी से उतरो मैं नहीं उतरूंगी मैंने कहा ना मैंने तुम्हें क्या कहा गाड़ी से उतरो तुम छोड़ो मुझे कुछ तो मुझ पे हो नजरें करम तेरा मुसीबतों का है मुझ पर असर नजरें करम तेरा मुसीबतों का है मुझ पर असर गहरा निजात इससे दिला दे मेरे मौला मैं हूँ खादिम तू है मालिक बड़ा मेरा बड़ा मेरा बड़ा मेरा बड़ा मेरा बड़ा मेरा अल्लाह तेरी तो शान है मौला तेरी तो शान है मौला जहाँ की जान है मौला जहाँ की जान है मौला दिल का अरमान है मौला जिंदगी ये तुझ पे हो कुर्बान मौला अल्लाह
इस लड़की की बाजू पे बांध दो। निकल बाहर इसके जिस्म से निकल बाहर। चली जाओ, कैसे चली जाओ? तूने तो मुझे बांध रखा है ना। आवोश हो जा शैतान की औलाद। मैं शैतान की औलाद नहीं हूँ, मैं इंसान की औलाद हूँ। इस इंसान की औलाद ये मेरे बाप है। मैं तुम्हारा पति हूँ पूजा, पति। तू मेरा पति नहीं है, बाप है। बाप 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 याद कर तानिया नाम की लड़की को। आया तुझे कुछ याद आया? तानिया कौन थी? याद कर, पहली बार वो तुझे कहाँ मिली थी?
याद है मुझे, जब तानिया मुझे पहली बार मिली थी तब मैं रोजी चेक अपनी थोड़ी साड़ी हटाओ ना, खूबसूरत दिखोगी और फोटोज भी अच्छे आएंगे, ठीक है? बी कॉन्फिडेंट, ओके, चिन अप, ओके, ऑल राइट, बी कॉन्फिडेंट, ऑल राइट। Excuse me. So, shoot was good. Thanks. So, shall we have coffee together? Coffee? Okay. Please have it. तो कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं चंडीगढ़ की हूँ। मुझे यहाँ पे आए 6 महीने हो गए हैं और मैं एक बहुत बड़ी मॉडल बनना चाहती हूँ। Very good. मैं बनूंगी ना? Why not? इसमें पूछने की क्या बात है? I can help you यार। पर आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। Actually मैं एक freelance photographer हूँ और एक बड़ी एड एजेंसी खोलने का मेरा एक सपना है। वैसे अभी फिलहाल अलग अलग कंपनीज के फोटोशूट आते हैं मेरे पास, जो कि मैं करता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको आगे रिकमेंड कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू। आपका लुक बहुत अच्छा है और एक अच्छी मॉडल होने के लिए अच्छा लुक होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल तो मेरे पास एक लॉन्जरी शूट का ऑफर है, अगर आप बोले तो मैं आपको आगे रिकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कभी किया नहीं। सो व्हाट, अब करो, मजा आएगा, पैसा भी अच्छा मिलेगा और बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं हूं ना, टेंशन क्या है। ओके। तुझसे रिश्ता नहीं तो ऐसा क्यों, सब नजर आए तेरे जैसा क्यों। तुझसे रिश्ता नहीं तो ऐसा क्यों, सब नजर आए तेरे जैसा।
प्यास क्यों इतनी बढ़ाती है, मस्ती जो है अदाओं की तेरी, रंगी सपने मेरे सजाती है, खुशबू ये जो तेरे बदन तानिया मेरी गर्लफ्रेंड थी। सिर्फ गर्लफ्रेंड? हाँ, सिर्फ गर्लफ्रेंड, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। झूठ, झूठ बोलता है तू, झूठ। कौन है तानिया? कौन है तानिया? ये बात मुझसे नहीं, किससे पूछ, इससे। हाँ, तानिया मॉडल बनना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे, इतने करीब कि हम दोनों के बीच की सारी दीवारें गिर चुकी थी। तानिया और मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त एक साथ बिताया करते थे। दीपक। मेरा पीरियड बंद हो गया। डॉक्टर से चेकअप करा लो। गई थी, मगर डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। व्हाट हैपेंड दीपक? नथिंग। मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। पूरी रात बाहर रहोगे तो तुम्हारी मकान मालकिन क्या सोचेगी? वो कौन सा मेरे साथ रहती है जिसका मुझे डर हो? अगर तुम अचानक कहाँ जा रहे हो? अचानक मुझे कुछ काम याद आ गया। अचानक कौन सा काम याद आ गया? बाद में बताता हूँ, अभी मैं चलता हूँ। तुम जाते हो, चाबी वॉचमैन को दे देना, ओके? One तानिया ने मुझे जब ये बताया कि वो प्रेग्नेंट है तो मैं घबरा गया, डर गया कि मेरा क्या होगा,
क्योंकि मैं इतनी जल्दी शादी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता था। मुझको पहले कुछ करना था, कुछ बनना था। मगर तान्या मुझ पर शादी करने का प्रेशर डालने लगी थी। तान्या एक जगह किराए के मकान में रहती थी। वो मेरे साथ घर बसाने के सपने देखने लगी थी। उसको मेरे अंदर अपना भविष्य दिखने लगा था। मगर मुझको तान्या में अपनी बर्बादी दिख रही थी, सिर्फ बर्बादी। वो जब भी मिलती थी मुझसे एक ही बात कहती थी, शादी शादी शादी। क्या सोचा है तुमने? अवोशन, तुम अपना अवोशन क्यों नहीं करा लेते? Are you mad, दीपक? ये अपने प्यार की निशानी है। ये कोई आखिरी निशानी थोड़ा है। ऐसी निशानी तो हम हर महीने बना सकते हैं। What do you mean, दीपक? समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। शादी से पहले मेरा करियर जरूरी है। इसका मतलब तुमने मुझे यूज किया ना? तो तुमने भी तो मुझे यूज किया है। और जो भी हुआ दोनों की मर्जी से हुआ। अगर ये हम दोनों की मर्जी से हुआ है तो सजा मैं अकेले क्यों भुगतूं? बस तुम लड़कियों का यही नाटक है। पहले प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद लड़कों को फंसाती है। लेकिन ये याद रखना, मैं अटकने वालों में से। पर वैसे भी यूएस की कंपनी की तरफ से मुझे बहुत अच्छा ऑफर आया। 2 दिन बाद मैं यूएस जा रहा हूं। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या कर रहा है। दीपक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दीपक, तुमने मुझे धोखा दिया है। I hate you, दीपक, I hate you। चले जाओ मेरी जिंदगी से, चले जाओ, चले जाओ। तान्या, तान्या, क्या बात है? लगता है किराया देने के लिए पैसे नहीं है। तान्या, क्या बात है? ऐसे उदास क्यों हो?
अरे किराए के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले महीने साथ में दे देना, ओके? ठहरिए मनीषा जी। आप जो समझ रही हैं वो बात नहीं है मनीषा जी, बात कुछ और है। क्या बात है मनीषा जी? एक लड़के के साथ मेरा अफेयर है और वो मुझसे शादी करने से इनकार कर रहा है। तो उसमें क्या हो गया, तुम भी इनकार कर दो? अरे तुम खूबसूरत हो, जवान हो, तुम्हें तो उससे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। पर मुझे वही चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी है? मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? जो लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी कदर नहीं करता, तुमसे शादी नहीं करना चाहता, ऐसे इंसान के बच्चे की माँ बनके क्या फायदा? तुम एबॉर्शन क्यों नहीं करवा देती? गई थी डॉक्टर के पास, मगर डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। अगर मैंने इस बच्चे को जन्म दे दिया तो मेरा और मेरे परिवार का क्या हाल होगा? समझ में नहीं आता कि क्या करूं, क्या बनने आई थी मैं और क्या बन गई। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम यह बच्चा मुझे दे दो। हाँ हम ना, हम तुम्हें यहाँ से बहुत दूर हमारे बंगलों पर ले जाएंगे, जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं पहचानेगा। तुम वहाँ अपने बच्चों को जन्म देना और जन्म देते ही मुझे दे देना। तुम तो जानती हो ना कि मैं माँ नहीं बन सकती। हाँ बोलो ना, बोलो, मंजूर है तुम्हें? लेकिन मैं, हाँ एक और बात, जन्म देने के बाद तुम कभी उसके सामने नहीं आओगी, वो बच्चा सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा, वादा करो। हाँ ठीक है मनीषा जी, ये बात मुझे अपने हस्बैंड से कहनी होगी। आपके कहने के मुताबिक मैंने पूरा माल लोडिंग करवा दिया है, शाम तक माल डिलीवर हो जाएगा। तो आपका कहने का मतलब है कि माल समय पर पहुंच जाएगा ना? जी 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 बिल्कुल ठीक है, लेकिन पेमेंट की बात तो सर आपको ही करना। और सर मैं बाप बन गया हूँ सर, एक बेटे का बाप हूँ। अच्छा बहुत बहुत बधाई हो, आप भी लीजिए। थैंक यू। अरे मनीषा, अरे रमेश, मुकेश, आओ मनीषा। अरे तुम ये फैक्ट्री में क्या करने आई? क्यों, मैं फैक्ट्री नहीं आ सकती? क्या बात है, मिठाई बांटी जा रही है, कोई खास खुशी? अरे इतनी बड़ी खुशी हुई है, मुझे भी मिठाई दे यार। हाँ वो क्या है कि उसके घर बच्चा हुआ है, वो लड़के का बाप बन गया। शादी के बाद बच्चे इंसान के लिए कितनी बड़ी खुशी होते हैं, लेकिन भगवान ने हमें वो खुशी नहीं दी। अब देगा। तुम माँ बनने वाली? कुछ ऐसा ही समझो। लेकिन कैसे? जो हमारे घर में किराए पे लड़की रहती है ना तानिया, वो माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली? लेकिन वो तो अनमैरिड है। तभी तो वो अपना बच्चा हमें देने के लिए तैयार हो गई है। मनीषा तुम क्या कह रही हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो सुनिए, वो अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट है और वो लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैंने उसे समझाया कि वो बच्चा वो हमें दे दे, ताकि हमारी खुशियाँ भी पूरी हो जाए और उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन आगे चलकर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो? आप चिंता मत करो, मैंने उसे सारी बातें डिटेल में समझा दी हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया।
आइए। हरी राम, हमने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है, हमें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। और तानिया? तानिया का ख्याल मैं खुद रखूंगी। तानिया, यह है हमारा घर। कैसा लगा? बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी तो आप। ओहो, अगर आप ना होती तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। अरे ऐसी बातें क्यों करती हो? आज से मैं तुम्हारी बड़ी बहन, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। अरे मनीषा, तुम ऐसी खड़ी बातें करती रहोगी? जाओ अब जाके तानिया को उसका कमरा दिखाओ। जाओ। जी आओ तानिया, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। जी चलो। आओ तानिया, यह तुम्हारा बेडरूम, तुम रेस्ट करो, खाने पर मिलते हैं। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? कुछ भी। अरे ऐसे नहीं, तुम्हें तो तुम्हारे डाइट का पूरा ख्याल रखना चाहिए, आखिर बच्चे की लाइफ का सवाल है। मेरा बच्चा, तुम फिकर मत करो, आज से तुम्हारी डाइट का मैं ही ख्याल रखूंगी, अब से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है? जाओ आराम करो। आज काफी वक्त बाद फिर से उम्मीद जगी है। मनीषा जी और प्रदीप जी से मिलने के बाद मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में जो तूफान आया था वो शायद थम जाएगा। अब शायद मेरी और मेरे होने वाली बच्चे की जिंदगी सवर जाएगी। वो उम्मीद जो खत्म हो चुकी थी, अब वो दोबारा एक नई किरण की तरह मेरी जिंदगी में वापस आ गई है। ऐसा लगता है जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बोलो क्यों नहीं हुआ? तानिया, तानिया, तानिया। तान्या, तान्या तुम्हारी क्या लगती है? हरामखोर, नहीं जानता, तान्या मेरी माँ है, माँ। माँ? उसने मुझे जन्म दिया है। मेरी माँ का सबने इस्तेमाल किया, तूने भी और उसने भी। तू भी तो इस्तेमाल कर रही है मेरे पूजा के जिस्म का। मैं वही करूंगी जो मैंने सीखा है। तुम जो भी हो मेरे पूजा के जिस्म को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, मुझे मारा गया है, मैं भी मारूंगी। जन्म के कुछ पल बाद मुझे मार दिया गया, तो मैं किसी को कैसे यूं ही छोड़ दूं? किसने मारा तुमको? बताती हूँ, उस रात की बात, जब मेरा जन्म हो रहा था। कुछ कर दो उसे, बहुत दर्द हो रहा है। कुछ करो, कोशिश करो, हाँ कुछ करो, हिम्मत से काम लो तानिया, हिम्मत से काम, हिम्मत से ही तो काम ले रही हूँ। करो तानिया, कोशिश करो, कोशिश ही तो कर रही हूँ। फिर से कहो, सांस रोको और जोर से पुश करो।
तानिया हिम्मत करो, तानिया जोर लगाओ। बाप बन गया मैं। मैं बाप बन गया। प्रदीप मनीषा देखिए, हमारा बच्चा हमारा बच्चा मनीषा, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। आज मैं, मुझे मेरी आंखों का तारा मिल गया, बाप बन गया मैं। मेरे खानदान का चश्मों चिराग, मेरा मेरा वारिस आज मुझे मिल गया, मेरा बेटा। मैं बेटा नहीं, बेटी है प्रदीप। लड़की नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए मुझे, मुझे लड़का चाहिए। किल दिस गर्ल। ये कैसे बातें कर रहे हो? किल दिस गर्ल। नहीं प्रदीप, ऐसा मत कहो। नहीं प्रदीप, मार डालो इस लड़की को। नहीं मनीषा, सोच क्या रही हो? ये कैसे हो सकता है प्रदीप? मारो इसे। मैं ऐसा नहीं कर सकती। किलर, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा। नहीं प्रदीप, मेरे से नहीं होगा। मेरी बात मानो मनीषा। नहीं प्रदीप, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मार डालो इसे, खत्म कर दो इसको। नहीं प्रदीप, नहीं चाहिए मुझे लड़की, मुझे लड़का चाहिए, सिर्फ लड़का चाहिए। मारो इसे, मारो मनीषा। किल दिस गर्ल। Manisha, I said kill this girl! अगर तुमसे नहीं होता तो मुझे करने दो, मैं करूंगा ये सब। Manisha जी, मेरा बच्चा। सबर रखो तानिया, सबर। मैं जानती हूँ कि वो आपका है, पर एक बात तो बता दो कि वो लड़का हुआ कि लड़की? लड़की हुई थी, मगर मगर क्या? लड़की हुई थी मगर मरी हुई। क्या? नहीं, नहीं तानिया, नहीं, नहीं, नहीं। देखो, तुम्हारे जितना ही दुख मुझे भी है, अगर वो बच जाती तो मैं माँ बन जाती, माँ बन जाती। देखो तानिया, अच्छा हुआ पर तुम्हारी जान बच गई। और इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए तानिया, कुछ नहीं। मत रो, मत रो, सब ठीक हो जाएगा,
सब ठीक हो जाएगा। मैं जिंदा पैदा हुई थी, जिंदा। मुझे मार डाला गया क्योंकि मैं लड़की थी। लड़की होना मेरा कसूर था। अब तू मुझे मारना चाहता है। मैं जिंदा रहूंगी, मुझे कोई नहीं मार सकता। आखिर तुम चाहती क्या हो? जिंदगी, वो जिंदगी जो तानिया और तेरे जरिए मुझे मिली थी। मगर अब वो कैसे हो सकता है? होगा, जरूर होगा। मगर कैसे? जाओ, मेरी माँ को ढूंढ कर लाओ। जाओ, जाओ। तान्या, मैं तान्या, तान्या मेरी बात तो सुनो। तान्या ओपन द डोर। तान्या एक बार मेरी बात तो सुन लो। तान्या, तान्या, तान्या मेरी बात सुनो। तान्या प्लीज ओपन द डोर। तान्या, 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 तान्या एक बार मेरी बात सुन लो। तान्या दरवाजा तो खोलो। तान्या, तान्या, मेरी बात तो सुनो, खोलो दरवाजा। तान्या, रिश्ता नहीं तो ऐसा क्यों, सब नजर आए तेरे जैसा क्यों। तुझसे रिश्ता नहीं तो ऐसा क्यों, सब नजर आए तेरे जैसा क्यों। जरूर है तुझ में जो मेरी जुस्तजू बढ़ाती है। बन गई है तू आशिकी मेरी, दिल की धड़कन यही बताती है। बात कुछ तो जरूर है तुझ में जो मेरी जोश जू बढ़ाती है। बन गई है तू आशिकी मेरी, दिल की धड़कन यही बताती है। बता दे ऐसा होता क्यों।
तान्या, तान्या, सुनो, तान्या रुको, मैं मानता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मेरी बात तो सुनो तान्या प्लीज। देखो तान्या, इस वक्त पूजा की जान खतरे में है, तो मेरे साथ चलकर उसकी जान बचा लो, उसके अंदर तुम्हारी बेटी की आत्मा समा गई है। मेरी बेटी की आत्मा? हाँ, मेरा मतलब हमारी बेटी, हम दोनों की बेटी। लेकिन वो तो मरी हुई पैदा हुई थी ना? वो मरी हुई पैदा नहीं हुई थी, उसे मारा गया था। क्या? उसे मारा गया था? जिस जगह तुम उसे जन्म दे रही थी, क्या उस जगह कोई दूसरी औरत थी? मनीषा और एक नर्स, उनके अलावा और कोई नहीं था। मगर उस मनीषा को लड़का चाहिए था, और तुमने एक लड़की को जन्म दिया था, इसलिए उस औरत ने हमारी बेटी को मार दिया। तान्या, क्या मनीषा ने ऐसा किया मेरे साथ? और उसने मुझसे झूठ कहा कि मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई है। उस लड़की की आत्मा आज तक उस जगह पर भटक रही है। उस लड़की की आत्मा ने पूजा के शरीर में प्रवेश कर लिया। ये पूजा कौन है? पूजा, पूजा मेरी बीवी है। ओ, तो तुमने शादी भी कर ली? ये समय बहस करने का नहीं है तान्या। पूजा की जान खतरे में है, तुम साथ चलो तो हो सकता है तुम्हारी बेटी की आत्मा पूजा को छोड़ दे। प्लीज तान्या, तुम ही पूजा की जान बचा सकती हो। चलूंगी, जरूर चलूंगी। जिसको मैंने जन्म दिया है उसको देखने मैं जरूर चलूंगी। तान्या, थैंक यू वेरी मच तान्या, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा तान्या। लेकिन आपके जाने के बाद, अरे मनीषा, प्रदीप आप जरा चलिए। जैसे जी जी, मिलाई तानिया से? मिलकर तो आई हूं, मगर एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या? हाँ, हमने बच्चे को मारा था, वो उसे पता चल गया है। क्या करेंगे? ओह माय गॉड, देखते हैं माजरा क्या है। माँ, 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 तुम मेरी माँ हो, आओ मेरे पास आओ, तुमने तो मुझे पैदा किया है ना, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगी। तुम मुझे देखना चाहती हो ना, मैं कैसी हूं देखो, मैं ऐसी हूं माँ, मैं ऐसी दिखती हूं, हटो। तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूं। 9 महीने मैंने तुम्हारे पेट में रहकर तुम्हें महसूस किया है, तुम्हारी आवाज को सुना है, तुम्हारे दर्द को जाना है। मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी का सुख देना चाहती थी, मगर ये नहीं हो सका। मुझे तो नाम भी नहीं मिला, तुम मुझे क्या कह के पुकारोगी माँ? तुम मेरी बेटी हो, तुम
मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ ये मुझे पता नहीं था। अगर उनको बेटा चाहिए था तो मेरी बेटी मुझे वापस दे सकते थे। उन्होंने तेरी जान लेकर ऐसा जुल्म क्यों किया? बेटियां तो बेटों से बढ़कर होती है, ये बात वो क्यों नहीं समझे? मुझे माफ कर दे बेटी। अब तुम अपनी माँ से मिल चुकी हो, अब तुम पूजा का शरीर छोड़ के चली जाओ जहां तुम्हें जाना है। नहीं, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं जा रही हूँ। तू नहीं जा सकते। मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। नहीं पूजा नहीं, ये क्या हो रहा है तुम्हें? मैं जा रही हूँ। कमाश पूजा, पूजा 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 मत जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? रुक जाओ पूजा, पूजा रुक जाओ, मेरी बात सुनो पूजा, कहाँ जा रही हो तुम? पूजा 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 तुम ठीक तो ना? पूजा 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 तुम ठीक तो ना? पूजा मैंने मैंने कहा था ना, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। आज वो समय आ गया। नहीं पूजा नहीं, ऐसी बातें मत करो। मैंने सपने में सब देख लिया है। तुम तान्या से प्यार करते थे ना, तुम्हारी एक बेटी है, वो माँ बाप के प्यार के लिए तड़प रही है, उसे उसे खूब प्यार देना। हाँ पूजा, मगर तुम तो तुम्हारे जीवन में कुछ अधूरा काम रह गया था, उसे पूरा करने आई हूँ। तुम्हारी अमानत तो मैं सौंप रही हूँ। नहीं पूजा, नहीं पूजा, सॉरी। ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से, ना मैं बेटे का लालच करता, ना इनकी बेटी को मारता, और ना ही आज ये सब कुछ होता। मैं भूल गया था कि बेटी और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। हटो तुम लोग सामने से, हटो। मेरी बीवी भी तो किसी की बेटी थी, मेरी माँ भी तो किसी की बेटी थी। बेटियां नहीं होंगी तो बेटे कहां से होंगे? बेटे चाहिए तो बेटियों को बचाना ही होगा। हम दोनों गुनहगार हैं, हम अपने आप को कानून के हवाले करेंगे। आइए आप मेरे साथ। चलिए इंस्पेक्टर साहब आइए। सॉरी तानिया, हटो तुम सामने से, हटो।
जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। जिसे नहीं कोई लालच वो फकीर कहलाता है। हक अल्लाह। तान्या, मैं तुमसे बहुत खुश हूं आज। लाओ मुझे तो। ये तो बिल्कुल तुम पे गया है। गया नहीं, गई है। लड़की है। क्यों, लड़की नहीं चाहिए? बेटी है तो माँ है, माँ है तो दुनिया है। मुझे गर्व है कि मैं एक बेटी का बाप हूँ। बेटी का बाप होने में एक शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। गर्व से कहो कि हम बेटी के बाप हैं। नजर ने कह दी लाखों बातें, नजर ने कह दी लाखों बातें, अब क्या कहें और हम। तेरी नजर समझे अगर मेरे प्यार की वो बातें, ऐ सनम वो बातें, ऐ सनम। नजर ने कह दी लाखों बातें, अब क्या कहें और हम। तेरी नजर समझे अगर मेरे प्यार की वो बातें।